उनकी आंतें बहुत कमजोर है, किसी को तो कब्ज है, किसी को गैस एसिडिटी आदि है, और किसी को कोलाइटिस है। कोलाइटिस के रोगी भी इसकी गिरफ्त में बहुत जल्दी आ सकते हैं जिनकी आंतें कमजोर हैं। कोई भी चीज़ जाएगी अंदर तो वो तो पेट में जाएगी, फिर आंतों में जाएगी, फिर लीवर पर असर करेगी, पूरे शरीर पर असर करेगी। आंतें कमजोर हैं तो क्या करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके ऊपर मैं बहुत गौर आप करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, आंतों की कमजोरी के लिए एलोपैथी में तो कुछ है नहीं, वैसे लीवर के लिए, किसी भी चीज़ की कमजोरी के लिए उनको बोलो कि मेरी लंग कमजोर है मुझे दवाई दे दो, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं। उनको बोलो मेरा हार्ट कमजोर है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है तो कोई दवाई दे दो, उनके पास नहीं। पेन क्याज की कमजोरी के लिए, लीवर किडनी की कमजोरी के लिए, आंतों की कमजोरी के लिए, हड्डियों की कमजोरी के लिए एलोपैथी में दवाई नहीं है। मैं आगे उस पर हड्डियों पर भी आऊँगा, अभी मैं आंतों पर आ रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जो है वायरस जाता है तो सीधा आंतों पर असर करता है। इसको बचाने के लिए क्या करें, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो है आप अनार खाएं। एक अनार सौ बीमार वाली जो कहानी है, ये ऐसी साधारण नहीं है, क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं लेकिन इंटेस्टाइन के ऊपर, आंतों के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। पूरे कोरोना के अंदर से आंत वाला पोर्शन गायब है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आंतों को आपको, ये अनार का तो यहाँ तो आप पेड़ ही देख रहे हो, उसके ऊपर अनार नहीं लगे हुए हैं, लेकिन वो अनार जो है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे गुजरात में, पूरे कर्नाटक में, कुछ भाग तेलंगाना आंध्र का वहाँ पर, अब तो राजस्थान में भी बहुत जगह लोगों ने बोलिया है। पहले कंधार से अनार आता था और अब अपने देश में बहुत अनार होता है, कोई अनार की कमी नहीं है। तो आप अनार खाइए, अनार से आपके आंतें मजबूत हो जाती हैं, आपका लीवर अच्छा हो जाता है, आपका स्टोमक अच्छा हो जाता है। और ये बात मैं आपको इसलिए कहता हूँ, मैंने आयुर्वेद में तो पढ़ा, वहाँ पर भी हम दाढ़ी महासव से लेकर के अनार की अनेक औषधियाँ बनाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी अनार बहुत खाते थे, मैंने भी खाना शुरू किया। मैं पूरे देश दुनिया में घूमता हूँ, आपकी जानकारी के लिए, ज़िंदगी के ये 50 पार करने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 लाख किलोमीटर से ज़्यादा मैं घूमा हूँ, कभी भी मुझे पेट का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। कोई फूड पॉइजनिंग, फूड इन्फेक्शन, पता नहीं क्या क्या होते हैं लोगों को, उल्टी, दस्त, बुखार, दुनिया भर की चीज़ें, भगवान की कृपा से एक बार भी कोई समस्या नहीं आई। पिछले कई वर्षों से मैं सुबह आंवला एलोवेरा पीता हूँ, गिलोय पीता हूँ, एक डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ, योगाभ्यास करता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, और 4 से 6 घंटे की नींद जैसी जैसा रिक्वायर्ड होता वैसा लेता हूँ। एक डिसिप्लिन लाइफ जैसी जीनी चाहिए, क्योंकि धी धृति स्मृति की विकृति, इसको प्रज्ञापराध कहते हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, इसको स्वास्थ्य की 3 आधार कहते हैं। मैं इन सबका ध्यान रखता हुआ आपको एक बात ये कहता हूँ कि पेट में जैसे मुझे लगा कि कई बार ऐसा हुआ कि रात्रि जागरण हो गया, दो दो तीन तीन दिन तक सोने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं बन पाई, समय नहीं मिल पाया, या खान पान में भी ऐसा हुआ कि उसकी व्यवस्था ठीक नहीं बन पाई, तो जब ऐसा लगा कि पेट में थोड़ी गड़बड़ है, अनार खा लिया, ठीक एकदम से, इंस्टेंट बेनिफिट। दूसरी चीज, जिनको कोलाइटिस, कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी, दो दो गोली खिला दीजिए, इंस्टेंट रिजल्ट, लेते ही दवा, तुरंत लाभ। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, एलोपैथी में कोलाइटिस का कोई इलाज नहीं, आंतें कमजोर हैं, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, आंतों की इम्यूनिटी खत्म होने का नाम ही कोलाइटिस है। ये जो कोलाइटिस, सोराइसिस, अर्थराइटिस, ये जो हेपेटाइटिस, ये जो शब्द बोले जाते हैं, ये इसका मतलब है आपके उस अंग की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, हड्डियों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, तो आपको अर्थराइटिस हो जाता है। उसके लिए फिर शिलाजीत, अश्वशिला, अश्वगंधा, और फिर अलग अलग प्रकार के गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, ये देते हैं, और उसमें अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ये भी सब प्रकार की इम्यूनिटी को, और ख़ास करके यदि हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो फिर उसमें वातारी देते हैं, ये बताई देता हूँ, साथ साथ में चंद्रप्रभावटी भी देते हैं, पीड़ान तक देते हैं, और वात के लिए सबसे अच्छा गिलोय तो त्रिदोषनाशक है, वात पित्त कफ तीनों में काम आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको, लेकिन गिलोय, निर्गुंडी, गिलोय, निर्गुंडी, रासना, ये तीनों आपको पतंजलि चिकित्सालयों में मिलते हैं। गिलोय, निर्गुंडी, रासना का काढ़ा आप पी लेते हैं, साथ में एलोवेरा भी इसमें मिला देते हैं, और किसी के घर में हार श्रृंगार पारिजात होते, 5 चीज़ें ले,
निर्गुंडी रासना ये क्वाथ हम आपको उपलब्ध कराते हैं। गिलोय का भी क्वाथ हम उपलब्ध कराते हैं पतंजलि चिकित्सालयों में, निर्गुंडी गिलोय रासना और इसमें हार श्रृंगार और मिला दें और जो है एलोवेरा, तो पांच चीज़ों से तो अर्थराइटिस मैंने कहा हड्डियों की कमजोरी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वो एक अलग-अलग विषय है, उसको हम बाद में भी लेंगे। तो मैं कह रहा था जिसके अंत में इसी से लगता है वो क्या उस अंग की कमजोरी है, तो आंतों की कमजोरी को कोलाइटिस, इसके लिए कुटजारिष्ट और कोटराज घनवटी दो दो गोली, कुटजारिष्ट चार चार चम्मच दवा चार चम्मच पानी, कुटज घनवटी और साथ में चित्तकारदी वटी भी दे देते तो डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। इसको इनडाइजेशन अपचन बोलते हैं। तो कुटजारिष्ट चार चार चम्मच दवा चार चार चम्मच पानी मिलाकर के पी लिया, कुटज घनवटी और चित्र का आधी वटी दो दो गोली खाने के बाद ले ली। अनार आप वैसे बार बार हमने कहा कि भोजन में आप यदि खाने से पहले सलाद जो भी खीरा टमाटर आदि जो भी आप खाते हैं गाजर मूली आदि, मूली भी बहुत अच्छी होती है लीवर के लिए आंतों के लिए डाइजेशन के लिए, तो जो भी सलाद आप खाते हैं और फल सेब पपीता आदि उसमें अनार खा लिया करें, अनार खा करके और उसको चबा चबा करके खाएं, जिसको फाइबर भी अनुकूल पड़ता है तो इतना चबाएं कि फाइबर जो है वो एकदम बारीक हो जाए उतना खाएं, और किसी को फाइबर अनुकूल नहीं पड़ता, किसी को बहुत ज़्यादा कोलाइटिस के साथ साथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस है आंतों से खून भी बहता है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से चबा चबा करके और फिर जो उसका फाइबर है उसको आप थूक सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं और फिर उसको उसके बाद भोजन किया करें। और भोजन में जिनको कोलाइटिस है उनको घी मीठा और दूध तीन चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। खैर फिर जिनको बहुत ही ज़्यादा कोलाइटिस है उसके लिए गंगाधर चूर्ण बिलवादी चूर्ण 100 ग्राम, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टि 4 ग्राम, इसमें काम दुधा भी आप मिला सकते हैं 10 ग्राम, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति काम दुधा 10 ग्राम मोती पिष्टि 4 ग्राम और गंगाधर बिलवादी चूर्ण 100 ग्राम, ये पाउडर सुबह शाम खाते हैं तो आपका कोलाइटिस अच्छा हो जाता है। तो आंतों की कमजोरी के लिए मैंने आपको कंप्लीट पैकेज दे दिया है।